सर आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरोपी अवैध हथियार की तस्करी की फिराक में घूम रहा है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 4 पिस्तल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई। दरअसल पूरा मामला इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरोपी रावगोल चौराहे पर अवैध हथियार की तस्करी करने की फिराक में घूम रहा है। मुखबिर की सूचना के बताए स्थान पर पुलिस ने दबिश दी, जहां से पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा, जिसने अपना नाम कैलाश बताया है, जो कि जिला बड़वानी का रहने वाला है। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 4 पिस्तल और 2 कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। शहर में अवैध हथियारों से कोई घटना ना हो, इस संबंध में निगरानी रखी जाती है और इसमें मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, कैलाश नाम के, ये सेना में बड़वानी का रहने वाला है। इससे लगभग 4 हथियार और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। ये अवैध हथियार जो हैं, जो इनको परीक्षण करने पर ये सिकलीगर मेक के लग रहे हैं और इस संबंध में उससे और पूछताछ जारी है। इसमें जो है इस तरह के जितने भी ये अवैध हथियार रहते हैं, ये शहर में कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, कौन ला रहा है, इस संबंध में लगातार निगरानी रखी जाती है और उसी के तहत कार्रवाई की गई है। सर इंदौर में किसी व्यवस्था जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।